जहां एक तरफ अमेरिका ने अब भारत की बड़ाई करना शुरू कर दिया है और भारत के लिए करीब $4 बिलियन का खजाना खोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने आखिरकार बांग्लादेश के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी ये भारत में हैं और इन्होंने ये कहा है कि मैंने पहली बार एक ऑब्जर्वर की तरह भारत के चुनाव को देखा और भारत के चुनाव को देखकर मैंने बहुत कुछ महसूस किया। मैंने महसूस किया कि यहाँ बड़े ही अच्छे तरीके से चुनाव होते हैं और ये बहुत ही बढ़िया है देखने में। ये लगता है कि हाँ ये अचूक है, अद्वितीय है, यहाँ स्वतंत्रता है। वैसे बड़ी अजीब बात है, अभी कुछ समय पहले से ही अमेरिका की ज्यादातर मीडिया भारत के विरोध में ही छाप रही थी, पर अब जाकर एरिक ग्रेसेटी खुद इन बातों को कह रहे हैं। ये देखकर लग रहा है कि हाँ इन्हें कुछ देखने को यहाँ पर मिला तो जरूर है। स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि ज्यादातर छापे जा रहे थे इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। 17 मई को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे चुनाव को करीब से देख रहा है, वे प्रक्रिया में लगातार सुधार की मांग कर रहे हैं। किर्बी ने कहा था कि भारत में 96 करोड़ लोग वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, जो 2660 रजिस्टर्ड पार्टियों के कैंडिडेट को चुनने वाले हैं। भारतीय हजारों उम्मीदवारों में से 545 संसद सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं, जिसके लिए 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है। व्हाइट हाउस का यह बयान तब सामने आया था जब ग्लोबल मीडिया भारत में हो रहे चुनाव को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा था। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहा था। इससे पहले फरवरी में ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसमें कहा था कि भारत के लोकतंत्र में खामियां हैं। 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग के साथ छपी इस रिपोर्ट में भारत को 41वां स्थान मिला था। कई चीजें क्या होती है ना, जब आप बाहर से देख रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता है। ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ। US एम्बेसडर एरिक ग्रेसेटी अब ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि मैंने यहाँ इंडिया में रहकर देखा चीजों को और मैं भारतीय लोगों को गुड लक विश करता हूँ। ये बात भी उन्होंने कही। स्क्रीन पर आप सुन सकते हैं इन्होंने जो कहा है। और It's extraordinary to see the world's largest democracy execute the biggest election in the world. And we've seen incredible, vibrant campaigning. We've seen parties, we've seen rallies. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका अपना नजरिया बदल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है, हालांकि गारसेटी ने और भी कई सारी चीजों को लेकर खुलासा किया और इन्होंने कहा कि अमेरिका $3.8 बिलियन भारत के लिए खर्च करने जा रहा है और ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एग्रीकल्चर के गोल में अमेरिका लगाने जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि हमने पीएम मोदी से वादा किया था कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में पहुंचाएंगे और ऐसा हम करने भी जा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर अमेरिका की तरफ से बदलता हुआ दिख रहा है भारत को लेकर, और ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त भारत के अंदर चुनाव हो रहे हैं और अभी तक चुनाव के परिणाम नहीं आए हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हो रही है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर बीते 8 मई को नई दिल्ली की यात्रा पे पहुंचे थे और मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये मालदीव की सरकार में किसी बड़े नेता की पहली भारत यात्रा। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट की मुहिम चलाने वाले मोहम्मद मुइजू ने पद संभालने के बाद से ही जहर उगलना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी जब मालदीव के विदेश मंत्री ने अपने भारत यात्रा के दौरान कर्ज के रोल ओवर के लिए अनुरोध किया तो भारत ने इसे स्वीकार
कर लिया। इसके तहत मालदीव को 5 करोड़ डॉलर के कर्ज भुगतान से 1 साल के लिए राहत मिल गई। मालदीव के विदेश मंत्री ने इस कदम की जमकर तारीफ की थी और इसे भारत की सच्ची सद्भावना बताते हुए धन्यवाद दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि चीन परस्त मालदीव आखिर भारत के पास वापस क्यों आ रहा है? ये पहली बार नहीं है जब भारत ने मालदीव की तरफ बड़े भाई की तरह हाथ बढ़ाया हो। कुछ हफ्ते पहले नई दिल्ली ने चावल, गेहूं का आटा, चीनी, आलू, अंडे सहित कई वस्तुओं के निर्यात कोटा में वृद्धि की। इसके पहले जब मुइजू ने मालदीव को उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमानों का संचालन और रखरखाव करने वाले सैन्य कर्मियों के वापस बुलाने की मांग की तो भारत ने यहाँ पर सहयोगात्मक रवैया अपनाया। 10 मई को जब मूसा जमीर नई दिल्ली से मालदीव के लिए रवाना हुए तो उसी दिन मालदीव में रह रहे 76 भारतीय सैनिकों का आखिरी बैच वापस देश लौट रहा था। उनकी जगह HAL के नागरिक पायलटों और तकनीशियनों ने ले ली है। भारत ने मालदीव के साथ हमेशा से दोस्ती वाला रवैया अपनाए रखा। माले में सरकार चाहे कोई भी हो रही हो, नई दिल्ली ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन मुइजू ने आते ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मालदीव की सह के बाद उनके 3 मंत्रियों ने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, जिसके बाद भारत में मालदीव के बायकॉट को लेकर सोशल मीडिया में लहर सी उठ गई। मालदीव में भी जनता ने विरोध किया और विरोध बढ़ता देख मुइजू को अपने मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ी। नई दिल्ली दौरे के दौरान मूसा जमीर ने एक इंटरव्यू में अतीत के लिए माफी मांगी और दोहराया कि मंत्रियों के विचार व्यक्तिगत थे, ये मालदीव के तरफ से रिश्ते को सुधारने की कोशिश थी। इसी साल जनवरी में जब मुइजू चीन की यात्रा की तब वो वापस लौटे थे तो उन्होंने कहा था, मालदीव किसी का बैकयार्ड नहीं है, किसी को भी हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने तुर्की के आधिकारिक यात्रा के बारे में भी बात कही थी और कहा था कि हम एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हालांकि मुइजू ने भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये साफ था कि नई दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। मालदीव की योजना पश्चिम एशिया से माल मंगाने की योजना थी, तब पानी फिर गया जब लाल सागर पर हूती चरमपंथियों ने हमले शुरू कर दिए। अधिकांश जहाज अफ्रीका को घूम कर आने लगे और कर्ज में डूबे मालदीव के लिए महंगी कीमत पर सामान खरीदना मुश्किल हो गया। इस दौरान भारत ने आवश्यक वस्तुओं का कोटा बढ़ाकर मालदीव को इस संकट से राहत दी। मालदीव ने चीन से 1.5 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है, जो उसके कुल कर्ज का अकेले 20% है। मालदीव पिछले काफी समय से चीन के सामने कर्ज के पुनर्गठन की गुहार लगा रहा था। मुइजू ने दावा किया है कि बीजिंग ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन अब चीन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मालदीव में चीनी राजदूत वांग लिक्सिन ने हाल ही में साफ कह दिया है कि उनके देश का ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्ज के पुनर्गठन से मालदीव को आगे कर्ज में मुश्किल आ सकती है। ये वही समय है जब भारत ने मालदीव को कर्ज चुकाने के लिए 1 साल का रोल ओवर दे दिया है। इन घटनाओं ने मालदीव को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसे चीन से नजदीकी भले रखनी चाहिए, लेकिन भारत से रिश्ते बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मुइजू सरकार को समझ में आ गया है कि भारत ही वो पड़ोसी है जिसने हमेशा मुश्किल समय में साथ दिया है, और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। इन्होंने एक बार फिर से बांग्लादेश के कर्मियों लगा दिया है बैन। बांग्लादेश के लोगों पर ये बैन क्यों लगा रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। पहले भी इस तरह के बैन लगा दिए गए थे। कहा जाता है कि काम बोलकर ये आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर काम करने के बजाय यहाँ पर रहने की सोचने लगते हैं और माइग्रेंट्स की तरह जगह बनाने लगते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।